हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा कि लूम्स कारीगर कैसे काम करते हैं और जो लूम्स मशीन किस तरह चलता है। आज के वीडियो में ये प्लेन लूम्स का ऊपर बनाया हूँ, जो पावर लूम्स उसको कहते हैं। चलो वीडियो शुरू करने से पहले चलो ये कंपनी में जाते हैं और देखते हैं, एक बड़े वाले कंपनी में जाते हैं, देखते हैं कैसे लूम्स काम होते हैं, कारीगर लोग कैसे काम करते हैं। इसके ऊपर ये वीडियो मैं बनाया हूँ, सिर्फ लूम्स वाला का ऊपर ये वीडियो बना हूँ। चलो अभी मैं पहुँच गया ये वाला खाता के पास, कंपनी के पास। कंपनी को हम लोग खाता कहते हैं। चलो अभी पहुँच गया, अब इस वाले कंपनी में हम जाते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। चलो लेट्स स्टार्ट। ये देखिए मशीन अभी चालू है, ये है पावर लूम्स, जिसको संचा मशीन कहते हैं और पावर लूम्स भी कहते हैं। पावर से ये चलता है। मैं कंपनी का अंदर अभी आ गया और वीडियो बनाना हम शुरू करेंगे। आप लोगों को दिखाऊंगा घूम घूम के कारीगर लोग कैसे काम करते हैं, कितना घंटा। हेलो फ्रेंड्स, आम वीडियो जो आपको भल लगे तले प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। जय जगन्नाथ। कितना घंटा काम करते हैं और उन लोगों का पगार कैसे मिलता, चलो वीडियो शुरू करते हैं। ये देखिए कैसे कपड़ा नीचे लपेटा हुआ है ड्रम में, देखिए। ये कारीगर काम करते हैं दिन में 12 घंटा, दिन रात दो पाली काम होता है, 12 घंटे का काम। और 12 घंटे में सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक, और नाइट वाला कारीगर आता है शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक, दो पाली में काम होता है। और इन लोगों का जो काम करता है, इन लोगों का पेमेंट जिसको सूरत में पगार कहते हैं, इसका कोई फिक्स नहीं रहता। ऐसे कि 20,000 से 30,000 के अंदर वो काम होता है ये वाला लूम्स में, मगर फिक्स इसलिए नहीं है क्योंकि जितना कपड़ा बनेगा उन लोगों को उतना पगार मिलेगा। जैसे कि जो कपड़ा बनता है, देखो जो पावर के वजह से सब मशीन चलता है, कारीगर काम करते हैं, ये सब कपड़ा जितना बनेगा उतना पगार उनको मिलेगा। ये ऐसे काम है कि रोज़ का पगार भी अलग अलग है, ज़्यादा कम भी होता है, क्योंकि जितना कपड़ा इनका बनेगा उनको उतना पेमेंट मिलता है। जैसे कि एक कपड़ा का मीटर उनको 3 रुपया मिलता है, तो 12 घंटा में हर रोज़ का तो ज़्यादा कम कपड़ा बनेगा, इसलिए पगार भी ज़्यादा कम होता है। इसके लिए इनका पगार कोई फिक्स नहीं है, 20,000 से 25,000 30,000 तक आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 से 25,000 तक पगार आएंगे जितना काम करेंगे, मगर 22,000 हो सकता है, 23,000 हो सकता है, मगर पगार का कोई फिक्स नहीं है। जितना कपड़ा बनेगा उनको इतना पगार मिलेगा। अभी जो देख रहे हो ये मशीन में घबरा आ गया, इसके लिए इनको कारीगर सुधर रहा है। ऐसे 3-4 घंटा इसको सुधरने में लगेगा, ये मशीन बंद रहेगा। इसके लिए ये जो मशीन जितना कपड़ा बनने वाला था उसका भी कपड़ा कम बनेगा, इसलिए इनको आज का दिन में पगार भी कम मिलेगा। इस तरह ज़्यादा कम पगार उनको मिलता है। चलो देखते हैं मशीन कैसे चलता है, ये अलग अलग प्रोसेस में मशीन चलता है। ये है सूरत, यहाँ देश के कोने कोने से लोग यहाँ आते हैं काम करने के लिए, और हर किसी को अपना अपना काम का अनुसार काम मिल जाते हैं। यहाँ सब मिलजुल के साथ में रहते हैं, काम करते हैं, यूपी, बिहार, बंगाल, कोलकाता, हर जगह से आते हैं, मगर मिल के यहाँ साथ में काम करते हैं। आज के वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ कि लूम्स का मशीन का ऊपर पावर लूम्स। चलो हम लोग वीडियो देखते हैं लूम्स मशीन किस तरह कारीगर काम करते हैं। ये सूरत में जितना लोग यहाँ आते हैं काम करने के लिए, हर किसी का कोई ना कोई मजबूरी होता है, इसलिए हर कोई यही सूरत में आके काम करने के लिए आते हैं। गांव में पैसा कमाने के लिए कोई सुविधा होता तो कोई भी आदमी सूरत नहीं आता, इसलिए हर किसी का मजबूरी की वजह से सब यहाँ आते हैं। हर किसी का परिवार होते हैं, माँ बाप, भाई बहन, परिवार पालने के लिए हर कोई मजबूर से यही सूरत में आके काम करते हैं। मेरा भी परिवार है, माँ है, बाप है, भाई बहन, बीबी है, बेटा है, फिर भी मेरे को यहाँ आके काम करने में यहाँ आया। भारत के कोने कोने से लोग यहाँ आके काम करते हैं और इस तरह काम करके पैसा अपने गांव भेजते हैं, यही पैसे से अपना परिवार चलता है। ऐसे कोई व्यवस्था नहीं है कि अपना, जैसे कि यूपी, बिहार, उड़ीसा, ऐसे कोई व्यवस्था नहीं है कि गांव में रहकर 15 से 20 हज़ार कमा सकें। पढ़ा लिखा हो तो भी आजकल लोग बेकार रहते हैं, और सूरत ऐसा जगह है, आप पढ़ा लिखा हो या ना हो, यहाँ आके काम सीख के काम करोगे तो 15 से 25 हज़ार तक आराम से कमा लोगे। और ये जो लूम्स का काम है,
ये सूरत में आजकल बहुत कंपनियां बनता है और बहुत जगह खाली है। अब थोड़ा देख लेते हैं मशीन किस तरह चलता है, उनका चलने का प्रोसेस। ये डूबी लूम्स है, जो पहले देखा है वो प्लेन है और ये डूबी है। उसमें अगर 3 रुपया मीटर आता है तो इनका कपड़ा का मीटर 4 रुपया आता है, उससे ये थोड़ा ज़्यादा है। और ये अपना संतोष भाई यहाँ काम करते हैं। चलो देखते हैं किस तरह मशीन चलता है। दिन रात 24 घंटा ये मशीन से चलता है, और कोई भीम लगाएंगे नहीं तो पावर कटेगा तो मशीन बंद रहता है, नहीं तो इसे महीना महीना साल साल भर मशीन से चलता रहता है और कारीगर लोग इसे काम करते रहते हैं। ये है लोचन भाई, ये बहुत अच्छा आदमी है, बहुत मज़ेदार आदमी है। मैं वीडियो बना रहा हूँ देख के हंसता है। चलो उनके पास जाके देखती हूँ, वो पानी मारता है मशीन में, अच्छा चलेगा इसलिए। इनका भी परिवार है गांव में, रोज़ फ़ोन करके शाम को बात करते हैं। क्या करें, पैसा तो कमाना पड़ेगा, घर भेजना पड़ेगा, बेटा बेटी सबका है, पाठ पढ़ाना पड़ेगा, स्कूल भेजना पड़ेगा, हर किसी का मजबूरी के लिए कोई यहाँ आके काम करते हैं। देखिए किस तरह मशीन चलता है। आजकल ये मशीन खरीद के उड़ीसा बिहार यूपी लोग लेकर अपने देश में डाल के इसको चला रहे हैं, साड़ी बनाते हैं अपने गांव के तरफ। और यहाँ लाखों करोड़ कपड़ा बनता है, नेट साड़ी अलग अलग तरीके की कपड़ा बनता है। आज के वीडियो में इतना, रखता हूँ, बाय बाय, जय जगन्नाथ।